गोरखपुर विश्वविद्यालय में दो गुटों में जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। हंगामा कर रहे छात्रों की माने तो बाहरी लड़के कैंपस में आकर छात्रों से मारपीट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया। सारे लड़के आए और हमारे ऊपर हमला कर दिया, मारना शुरू किया। वो लोग हथियार के साथ आए हुए थे और हमको मारना शुरू कर दिया। हमारे प्रैक्टर सर वहाँ मौजूद थे, उनसे हमने कहा सर इनको पकड़िए। प्रैक्टर सर ने कोशिश की पकड़े, फिर प्रैक्टर सर गेट तक लेके आए हैं। उसके बाद लड़के वहाँ से भाग गए सर अचानक। अगर बताइए प्रैक्टर सर बाहरी लड़कों को, यहाँ के अंदर के लड़कों को एंट्री देने से बहुत मना करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। बाहरी लड़के हथियार लेके अंदर घुस रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रैक्टर लेता है। अगर हमारे भाई को कुछ हो जाता, अगर हमको कुछ हो जाता, मैं मर जाता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उससे एप्लीकेशन लेके मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी उसके साथ मारपीट किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मारपीट में घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी रोष नजर आ रहा है। न्यूज के लिए गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।